दिस इज़ विकास शर्मा फ्राम जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर आई एम टीचिंग देयर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैनेजमेंट एंड टुडे इस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ कैपेबिलिटी अप्रोच जैसे कि आप जानते हैं कि अमृत सैन जो भारत से संबंधित रहे हैं और नोबल प्राइज उन्होंने इकोनॉमिक्स uh, के फील्ड में उनको मिला हुआ है नाइन्टीन नाइन्टी एट में उनकी जो थ्योरीज हैं सोशल वेलफेयर अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जिसमें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क किया जाता है और इकोनॉमिक्स के जो भी प्रॉफिट और मैनेजेरियल जो थ्योरीज़ हैं जो क्लासिकल न्यू क्लासिकल मॉनेटरी अप्रोचेस जो इकोनॉमिक्स ने दिए हैं उससे डिफरेंट परसेप्शन में उन्होंने एक अप्रोच दिया है दैट इज़ सोशल वेलफेयर अप्रोच एंड इन दैट अप्रोच अमृत सैन हैज़ डिफाइंड कैपेबिलिटी अप्रोच इन ए न्यू डिफरेंट वे ही हैज़ को रिलेटेड पॉवर्टी एंड कैपेबिलिटी आस्पेक्ट ऑल टूगेदर हमरते से इनका मानना था कि जो गरीबी है वो सिर्फ मौद्रिक मुद्रा या इनकम आय में जो कमी है उसको इंडिकेट नहीं करता किंतु जो गरीबी है वो एक परिस्थिति है जो मानवजनित है नेचुरल डिज़ास्टर नहीं कह सकते इसको लेकिन मानव जनित जो प्रॉब्लम है मानव जनित जो ये गतिविधि है उसको गरीबी को हमार्ते सेन ने परिभाषित किया है और इसी संदर्भ में उन्होंने एक नए अप्रोच को एक नए डायरेक्शन में डिफाइन किया दैट इज़ नॉन एज कैपेबिलिटी अप्रोच कैपेबिलिटी अप्रोच इज़ रिलेटेड विथ ह्यूमन परसेप्शन नाउ कम ऑन व्हाट इज़ कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी का मतलब होता है सामर्थ्य सामर्थ्य मीन्स जहाँ पर आपका जो वीक पॉइंट है उस वीक पॉइंट को कंपनसेट uh, करके उसको आगे फर्दर उसको मोटिवेट करके और वीक पॉइंट को स्ट्रोंग पॉइंट में कन्वर्ट करना दैट इज़ कैपेबिलिटी नाउ कैपेबिलिटी अप्रोच इज़ डिफाइंड एज इट्स चॉइस ऑफ फोकस अपॉन द मॉरल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेबिलिटी ऑफ अचीविंग द काइंड ऑफ लाइव दे हैव रीजन टू वैल्यू इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जो अपनी लाइफ में जिन मूल्यों को निर्धारित करता है उन मूल्यों के संदर्भ में वो अपनी लाइफ जिंदगी को लीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है और इसकी उसमें क्षमता है या नहीं है तो इसी क्षमता को उन्होंने गरीबी और दूसरे जो पहलू है एक व्यक्ति के विकास से रिलेटेड उन पहलुओं को उन्होंने परिभाषित किया है सो so, कैपेबिलिटी को हम दो पार्ट में अंडरस्टैंड कर सकते हैं समझ सकते हैं दैट इज़ मॉरल सिग्निफिकेंस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सेकेंड ए वेल्युएबल लाइफ ऑफ़ ए पर्सन दैट मीन्स मॉरल सिग्निफिकेंस ऑफ एन इंडिविजुअल ये किसी व्यक्ति विशेष के जो उनके मॉरल मूल्य जो है मूल्य पर निर्धारित एक प्रक्रिया है और सेकेंड ए वैल्युएबल लाइफ ऑफ ए पर्सन कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ को अच्छे से एक अच्छे लेवल पे तरीके से लीड करें ना ऑरिजिन ऑफ कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी अप्रोच वॉज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाई प्रोफेसर अमृत्यसैन ही इज़ ए वे वेल नाउंड फिलोसॉफर इकोनॉमिस्ट एंड ही हैज़ डिफाइंड कैपेबिलिटी अप्रोच इन नाइनटीन एटीज़ सो उन्नीस सौ अस्सी के दशक में जब यू एन डी पी ने एक नया पैमाना विकसित किया कि किस तरीके से मानव विकास के बारे में जो नए पैमाने हैं वो आय निर्धारण से और कंजाप्शन से के अतिरिक्त नए पैमाने जो है उनको कोरिलेट किया गया और उन पैमानों में उन्होंने एक जो मानव सूचकांक है ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास सूचकांक उसको उन्होंने एक डेवलप किया और यही जो डेवलपमेंट है वो कैपेबिलिटी अप्रोच के ऊपर बना हुआ है नाउ कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो उसको हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं सबसे पहले जो यूटिलिटी थ्योरी थी और रिसोर्सम थ्योरी थी कि एक व्यक्ति को जो उपयोगिता मिल रही है उस उपयोगिता के संदर्भ में हम व्यक्ति के विकास की बात करते थे उसके बाद जो रिसोर्सेज रहे हैं उन रिसोर्सेज के संदर्भ में हम व्यक्ति के विकास की बात करते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक परिवार के पास उनके पास कितना रिसोर्सेज हैं कितने संसाधन हैं उनकी मात्राओं के ऊपर उनके विकास को आ, मापा जाता है उसको निर्धारित किया जाता है ये जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उसका हम हिस्टोरिकल परसेप्शन में अगर बात करें तो अरस्तु के समय से ही इसको समझा जा सकता है कि उन्होंने ह्यूमन डिग्निटी ह्यूमन फ्लरिशिंग मानव विकास के बारे में अरस्तु का जो संदर्भ रहा है वो भी कैपेबिलिटी अप्रोच का स्टार्टिंग फेज माना जा सकता है उसके बाद काल मार्क्स की थ्योरी जिसमें उन्होंने मार्क्सवाद के जरिए अपने जो विचार हैं उनको व्यापक किया विश्व समुदाय में और जो ये समानता की जो भावनाएं हैं उसको आगे फर्दर एक्सटेंड किया उसके बाद एडम स्मिथ जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने भी उनकी जो ग्रोथ है उनकी जो प्रगति है उसको राष्ट्र की प्रगति से उसको कॉरिलेट किया है और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो एक नया अप्रोच डिफाइन किया गया है नाउ कैपेबिलिटी इज़ वॉट पॉवर्टी इज अंडरस्टूड एज डेप्रीविएशंस इन द कैपेबिलिटी टू लिव ए गुड लाइफ एंड डेवलपमेंट इज़ अंडरस्टूड एज कैपेबिलिटी एक्सपेंशन पॉवर्टी गरीबी जो है उसको हम मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति में सामर्थ्य का अभाव है इसलिए वो गरीब है काम करना चाहता है लेकिन उसको काम करने के जो तरीके हैं काम करने का जो उनका ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल कम है और डेवलपमेंट जो अगर होता है किसी व्यक्ति का समुदाय का समाज का तो उसमें हम मान सकते हैं कि जो कैपेबिलिटी है वो एक्सटेंड हो रही है और उसका विकास होता जा रहा है नाउ सेन का जो कंसर्न था अमर सेन का कि कैपेबिलिटी किस तरीके से डिफाइन किया जाना चाहिए उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे निर्णय लिया है चिंताएं जाहिर की है पहला कि इंडिविजुअल्स कैन डिफ़र ग्रेटली इन दियर एबिलिटीज़ टू तो कन्वर्ट द सेम रिसोर्सेज इनटू वैल्यूएबल वैल्युएबल फंक्शनिंग कि हर एक व्यक्ति हर एक नज़रिए से काम करता है और कार्य करने का जो उसका तरीका है अलग तरीका उसके वजह से उनका एक ही काम एक ही टास्क जो है वो अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से कंप्लीट होता है सेकेंड एडेप्टिव प्रेफरेंसेस इसमें व्यक्ति की कार्य करने का जो प्रोसेस है और उसका जो परिणाम है उसमें व्यक्ति उसको पहले से ही निर्धारित करता है कि ये हमारे जो है कार्य क्षमता के अंदर है और कार्य क्षमता के बाहर है नाउ कैपेबिलिटी इज रिलेटेड विथ एक्चुअल अचीवमेंट्स एज वेल एज इफेक्टिव फ्रीडम फ्रीडम डिफाइंस दैट कि आप व्यक्ति के पास जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से वो दूर हटकर एक नए तरीके से वो काम करने का तरीका और उससे जो आशानुकूल जो परिणाम है उसको वो व्यक्त करें उसके बारे में विचार करें नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच कैपेबिलिटी अप्रोच पे सेन ने फंक्शनिंग और कैपेबिलिटी पे डिफाइन किया है फंक्शनिंग का मतलब कार्य करने के जो तरीके हैं तौर तरीके हैं उसको व्यापक बनाया जाए और पूरे समाज में विस्तृत किया जाए और दूसरा कैपेबिलिटी जिसमें वो काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको अच्छा स्वास्थ्य अच्छा शिक्षा और अच्छे जो रोज़गार के अवसर हैं उनको मिले और इसी के साथ जो है कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो एक नए तरीके से भारतीय समाज में देखने को मिल रहा है और इसको हम अभी भारत सरकार के द्वारा जो चलाए जा का रहे कार्य हैं उसके संदर्भ में समझ सकते हैं जैसे भारत सरकार ने अभी शिक्षा का अधिकार स्वास्थ्य का अधिकार और अदर जो नागरिक अधिकार हैं वो उनको देने के लिए अलग अलग स्कीम्स और अलग अलग प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं और यही जो सारे प्रोग्राम्स हैं वो कैपेबिलिटी अप्रोच से रिलेटेड हैं थैंक यू